दोस्तों अगर आप भी एक श्रमिक हैं, कामगार हैं और मजदूरी का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों एक बार फिर से सरकार आप सभी लोगों को 2,000 रुपए की नगद धनराशि देने का ऐलान कर दिया है। तो अगर आप भी एक कामगार हैं, श्रमिक हैं और मजदूरी का काम करते हैं तो कैसे आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, ये आप अपने मोबाइल से अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप ऑल प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर भी अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत होती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। बिहार सरकार ने एक नई स्कीम को चालू कर दिया है, श्रमिकों और कामगारों को 2,000 रुपए मिलेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, अगर आप भी इस योजना के जरिए अपने बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए की नगद धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों अगर आप पहले से ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करना होगा। यहां पे लिखा है व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस। पहले हम आपको बता दें कि आपको इस वेबसाइट पर कैसे आना है। आपको दोस्तों आ जाना है अपने मोबाइल पर और मोबाइल पर आने पे आपको टाइप करना है लेबर डिपार्टमेंट बिहार। जैसे आप दोस्तों टाइप करेंगे आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी, आपको उसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहां पे देखिए श्रम संसाधन की वेबसाइट आपको ओपन हो गई आपके सामने। आपको इसको करके नीचे आना है और यहां पे दिखाई दे रहा है बिहार बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई है। आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन चेक करना होगा। अगर आपने पहले ही से आवेदन किया है तो आपको दिखाई दे रहा है व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है और आधार कार्ड संख्या टाइप कर लेनी है। उसके बाद आपको शो के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये दोस्तों तब करना है जब आपने पहले से आवेदन किया है। अगर आपने आवेदन नहीं किया दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दोस्तों दो तरीके हैं इस योजना में लाभ पाने के। पहला है आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा ऑफलाइन अप्लाई करने। ज्यादातर लोग ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। ऑफलाइन अप्लाई करना और ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्म दोनों सेम ही है, आपको सेम ही भरना है। बस आपको उसमें ऑफलाइन अप्लाई करना है, जाके जमा करना है और यहाँ पे आपको जाके जमा नहीं करना, आपको इस वेबसाइट से आवेदन कर देना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये फॉर्म होना चाहिए। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ये फॉर्म आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको कैसे भरना है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है आवेदक का नाम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नवीनतम फोटो, आपको दोस्तों अपनी एक फोटो देनी होगी, एक अच्छी सी फोटो यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ जिला, यहाँ पे आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिखा है क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको अपना क्षेत्र सिलेक्ट कर लेना है, आप शहरी से हैं कि ग्रामीण है, वहां पे आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों आपका प्रखंड ब्लॉक, यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वार्ड नंबर, यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको के नीचे आना है और यहां पे लिखा हुआ है स्थायी पता, तो यहां पे आपका मोबाइल नंबर, थाना, जिला, पोस्ट ऑफिस, प्रखंड, पिन कोड, यहां पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों एक ही है तो यहां पे आपको वही टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस कॉकर के नीचे फादर का नाम, पिताजी का नाम यहां पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहां पे लिखा है पति का नाम, यहां पे आपको अपने पति का नाम टाइप कर लेना है। अगर आप एक महिला हैं, यहाँ पे जन्म तिथि, यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि टाइप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड संख्या, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड संख्या डालना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड संख्या प्रविष्ट करना है आपको। यहाँ पे लिखा है शैक्षिक योग्यता, आप मैट्रिक उत्तीर्ण कर चुके हैं या मैट्रिक अभी आपने उत्तीर्ण नहीं किया। अगर आप मैट्रिक उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, अगर आपने मैट्रिक उत्तीर्ण नहीं किया तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है जाति, यहाँ पे आपको अपना जनरल, ओबीसी, एसटी जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पे लिंक सिलेक्ट कर लेना है, स्त्री पुरुष जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वैवाहिक स्थिति, यहाँ पे आपको अपनी वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट कर लेनी है, आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको स्कॉके के नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उन नियोजनों का नाम एवं पता जिसके लिए आपने पिछले 12 महीने से कार्य किया। तो दोस्तों आपको उनका नाम पूरी डिटेल देनी होगी जिसके लिए आपने 12 महीने से आप काम कर रहे हैं, एक साल के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है नियोजक संवेदक की संख्या, यहाँ पे आपको अपना कंस्ट्रक्शन नंबर सारी लाइसेंस नंबर दे देना है। नियोजक का नाम व पता, यहाँ पे आपने जिसके लिए 12 महीने से काम किया है उसका नाम पता दे देना है। कार्य स्थल दे देना है, आपने कहाँ पे काम किया है। कार्य की प्रकृति दे देना है, आपने क्या काम किया है उनके लिए 12 महीने से। यहाँ पे तिथि दे देनी है, यहाँ पे आपने कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में काम किया है। कुल अवधि दे देनी है और यहाँ पे उनका हस्ताक्षर करवा देना है। तो आप जिसके लिए 12 महीने से काम कर रहे हैं उस पर यहाँ पे हस्ताक्षर करवा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्कॉके के नीचे आना है। जब आप स्कॉके के नीचे आएंगे तो यहां पे आपको दूसरा फॉर्म मिलेगा। यहां पे दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ है अब आपको अपना बैंक डिटेल देनी होगी। बैंक का नाम देना है, शाखा का नाम देना है, खाता संख्या देनी है और आईएफएससी कोड दे देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्कॉके के नीचे आना है। यहां पे लिखा हुआ है कि आपको टोटल 70 रुपए लगेंगे इस फॉर्म को आप जब जमा करेंगे। तो यहां पे आपको स्कॉके के नीचे आना है। जब आप स्कॉके के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या आवेदक यदि पूर्व से ही अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य है, क्या आप पहले से ही अन्य किसी कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं, अगर हैं तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है, नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक रहने देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आया आपके पूरे परिवार की डिटेल आ गई। यहाँ पे अब आपको घोषणा देनी है। घोषणा में क्या देना है, अगर दोस्तों आपकी बाई चांस किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो आप नॉमिनी किसको बनाएंगे, आपके पास जो पैसा है वो बाद में किसको मिलेगा। तो यहां पे आपको क्रम संख्या दे देनी है, परिवार के सदस्यों का नाम दे देना है जिसका आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने मरने के बाद। उसके बाद यहां पे सदस्य का संबंध दे देना है, आपसे उनका क्या संबंध है, उम्र दे देनी है और यहां पे परिवार के उन सदस्यों का नाम से आगे चिन्हित करें तो यहां पे आपको चिन्हित कर देना है। उसके बाद नामांकित को दी जाने वाली राशि, यहां पे आपको 100% दे देना है। यहां पे आपको क्या लिखना है, 100% मतलब आप अपनी पूरी धनराशि 100% देना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। इसको करके जब आप नीचे आएंगे तो आपको अगला फॉर्म मिल जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे देखिए दोस्तों आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा। यहां पे आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, दिनांक दे दीजिएगा, स्थान दे दीजिएगा। दोस्तों ये सब करने के बाद देखिए आपको एक स्वयं घोषणा पत्र भी देना होगा। घोषणा पत्र कैसे देना होगा मैं आपको बता दूं, आपको यहां क्या लिखना है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको कहां जमा करना है। स्वयं घोषणा पत्र में आपको देना होगा कि मैं आपका नाम, ये पिता या पति का नाम, ग्राम, वार्ड, पोस्ट, पंचायत, प्रखंड, थाना, जिला, ये आपको यहां पे दे देना है। उसके बाद आपको स्कॉके के नीचे आना है। जब आप स्कॉके के नीचे आएंगे तो यहां पे देखिए आपको पूरी क्रम संख्या आ जाएगी। यहां पे नियोजक का नाम, आपका नाम पता हो जाएगा, कार्य स्थल हो जाएगा, कार्य की प्रकृति हो जाएगी और कार्य की अवधि हो जाएगी, आपने कितने साल काम किया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस फॉर्म पे यहां पे हस्ताक्षर कर देना है और अगर आपको हस्ताक्षर करना नहीं आता तो आपको अंगूठे के निशान लगा देना है। अब मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म भरने के बाद आपको कहां जमा करना है। दोस्तों ये फॉर्म भरने के बाद अब आपको कहां जमा करना है, ये फॉर्म भरने के बाद आपको जमा करना होगा अपने ब्लॉक में या आप श्रम विभाग की संसाधन के कार्यालय में जाके आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं और इस फॉर्म को जमा करने के बाद आपका इस योजना में आवेदन हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, अब मैं बात कर लेता हूं ऑनलाइन आवेदन करने की। दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर। दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के लिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि अधिकतर लोगों के पास सीएससी लॉगिन आईडी नहीं होती जिसकी वजह से वो आवेदन नहीं कर पाते। दोस्तों अगर आपके पास सीएससी लॉगिन आईडी है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा जो मैंने आपको बताया। तो आपके पास सीएससी लॉगिन आईडी होना जरूरी है इस योजना में आवेदन करने के लिए। अधिकतर लोगों के पास नहीं होती इसलिए वो ऑफलाइन ही आवेदन करते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे कमेंट करते हैं कि सीएससी लॉगिन आईडी आपके पास है फिर भी आप कैसे आवेदन करेंगे ऑनलाइन, तो अगली वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको अभी ऑफलाइन तरीका बताया आवेदन करने का। दोस्तों इस तरीके से आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और सरकार की तरफ से जो 2000 रुपए की नगद धनराशि दी जा रही है उसका लाभ आप उठा सकते हो। फिर आप लोगों के लिए एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।